सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम सभी हर शुभ अवसर पर एक दूसरे को उपहार गिफ्ट देते हैं, चाहे वो शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई फेस्टिवल हो या अन्य कोई अवसर। हर शख्स अपनी शुभकामनाओं और अच्छी भावना से ही गिफ्ट देता है, लेकिन फेंगशुई और वास्तु में 5 ऐसी चीजों के बारे में कहा गया है कि जिन्हें गिफ्ट देने से लोगों के आपसी संबंधों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, साथ ही उन्हें धन के नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। अक्सर लोग पानी बहने वाले शोपीस जैसे आइटम गिफ्ट में देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसी चीजों को गिफ्ट के तौर पर देने से सामने वाले इंसान को पैसों की कमी या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी अवसर पर अपने प्रोफेशन से संबंधित चीजें बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। दुकान या अपने प्रोफेशन से जुड़ी चीजें गिफ्ट देने पर मनुष्य को कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इन्हें रखने और इनकी पूजा करने का एक विधान होता है, इसलिए इन्हें खुद ही खरीदना चाहिए। वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें जैसे पेन नाइफ, चाकू, कैंची, तलवार आदि किसी को भी गिफ्ट करने से गिफ्ट देने वाले और लेने वाले के लिए बैड लक बढ़ता है। किसी भी अवसर पर रुमाल भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार रुमाल गिफ्ट करने से लोगों के बीच में नेगेटिविटी फैलती है और रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।